हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका। एक बार फिर से मेरे चैनल में आपको स्वागत, ट्रैवल विद एक्स वाई जेड। तो इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं ग्लेशियर्स के अंदर, द एंड पॉइंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वाओ। तो दोस्तों, हम दलांग में ग्लेशियर्स के अंदर गए थे और बिल्कुल ट्रैक करके ग्लेशियर को पूरा पार करा। और हमारे जो सनराइज होमस्टे के जो भैया हैं, उन्होंने पूरा ध्यान रखा, पूरे भाई की तरह एकदम पूरा अच्छे से केयर करके हमको उस ग्लेशियर से निकाल के पूरी स्नो की ट्रैकिंग करी। टॉप ऑफ द माउंटेन, जो एकदम टॉप है, वहाँ तक लेके गए। तो हम वहाँ पूरा, ये जो दिख रहे हो टॉप ऑफ द माउंटेन पे ग्लेशियर्स पे ले जाके, वहाँ देखिए पूरा सनराइज होने को है पहाड़ों पे, ये सारा कवर करें। और अभी हम इनकी हेल्प से, और यहाँ देखो इतना रास्ता ट्रैक करके वापस आ रहे हैं। और सर, आपका नाम क्या है? खुशाल जी। तो खुशाल जी की मेहनत से, सनराइज होमस्टे की बदौलत से हमने आज ये प्रीटी सा व्यू देखा। ये देखो, ये ब्लू सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, इस प्रॉपर्टी का नाम है सनराइज प्रॉपर्टी। तो अगर आप चाहते हो कि ये एडवेंचर आप करें, टॉप ऑफ द माउंटेन पे जाके ग्लेशियर्स के अंदर आप सोए, खेले, मजे करें, और इनकी हेल्प से ही आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो। तो ये करना है तो आप जरूर आइए। इधर बंद कर दीजिए। हम प्यार के दीवानों के पले हैं, हम प्यार करेंगे। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्तों, पहाड़ों की ऊंची चोटियों पे हम चढ़ गए हैं और ऊंची चोटियों की नीचे की सखाओं में हम लेट गए हैं। लेटे लेटे बर्फ का आनंद ले रहे हैं, जन्नत का एहसास कर रहे हैं, मजा आ गया। देखिए दोस्तों, हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ से मेरे तो उठने का मन ही नहीं करता है। ये है एक छोटा सा दलंग विलेज जो कि लाहौल में है, और लाहौल के हमने जो होमस्टे बुक करा है, सनराइज होमस्टे, उसमें बुक करने के बाद में जो मज़ा आया है, उन्होंने हमको यहाँ पे आके, मतलब उस होमस्टे के जस्ट 5 मिनट के बाद में आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप बर्फों में सो, यहीं खाना खाओ, यहीं रहो, यहीं दुनिया बसा लो और मज़े करो। तो ये है इस होमस्टे का मज़ा। तो आइए ज़रूर सनराइज होमस्टे में, क्योंकि ये होमस्टे वाले आपको साथ साथ घुमाते भी है, बर्फ़ में सुलाते भी है और मस्ती भी कराते हैं। सीधा मिल्की वाइट दूध जैसे। लेट के दिखा इसमें, देखिए दोस्तों। ओए गई गई, गिर जा। गिरे हुए लोग हैं हम। गिरे हुए लोग हैं। गिर जा बोटी, गिरना, गिर जा, कुछ नहीं होता, टेंशन ना ले, आराम से गिर जा। सीधी खड़ी हो पहले तू, ऐसे पैर इधर कर, वो वाला भी। आए आए मेरा गूगल, कोई बात नहीं, उठा देंगे, गिर तो जाएगी। अरे उठाएंगे ना हम, आप गिरो, एंजॉय करो, ठीक है? मेरे को तो नहीं, वीडियो ऑन नहीं। तो ये दोस्तों देखो, आप तो हरियाली में जरूर लेटे होंगे, लेकिन क्या ऐसे मिल्की व्हाइट स्नो में क्या अभी कभी आप लेटे हो? स्नोफॉल हो गई ऐसे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली बन तो सही, बिल्ली कहता है जो कहता रहे, हम प्यार के दीवानों पे चले हैं, हम प्यार करेंगे। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा पहला दिन है, हम आज बाहर जा रहे हैं घूमने। तो यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ से ऐसे ट्रैक करके इस माउंटेन में, एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन पे जाएंगे ट्रैक करके स्नो में। और आप देख सकते हो, ये है स्केटिंग वाली डंडी, और यहाँ पे है प्यारा सा होम स्टे, बहुत ही अच्छा। तो
तो कुछ एडवेंचर करने जा रहे हैं। इस होम स्टे में अगर आप रहोगे तो साथ साथ स्नो में आप कुछ एडवेंचर्स भी कर पाओगे। तो दिस इज द प्यार ब्यूटिफुल व्यू ऑफ सनराइज होम स्टे। यहाँ से जाएंगे हम ट्रैक करते करते उस माउंटेन तक। देखिए ये सर जा रहे हैं, ऐसे करके हम भी जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा ट्रैक करके अभी तक ऊपर तक जाना है। भाई साहब इतना हम चल के आ गए हैं, इतना हम ऑलरेडी चल के आ गए हैं और अब और जाएंगे ऊपर। वो देखो से होम स्टे। तो आधा रास्ता हमने पार कर लिया है ट्रैक करके, लेकिन अभी तक आधा और बाकी है। फिर जाके पूरी तरह से माउंटेन के टॉप पे चले जाएंगे और फिर उसके बाद में हमको दिखेगा रोड। रोड के बाद हम जाने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पॉइंट ऑफ हिमाचल एक्सप्लोर करने के लिए। पहले तो बाई कार जाएंगे, फिर उसके बाद ग्लेशियर्स में करेंगे हम ट्रैकिंग। रास्ता हम ट्रैक करके आ गए, पाँव कांप रहे हैं लेकिन मज़ा आ रहा है स्नो का। ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, देख सकते हो। ये देखो एकदम अंदर चला गया, बहुत ही मस्त आ रहा है एडवेंचर, मज़ा आ रहा है। इतना ट्रैक करके आ गए और ऊपर ट्रैक करके जाना है, दिखाओ। और वहाँ तक ऊपर तक जाना है, दे दो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे स्नो, इतनी चौड़ी स्नो है, देखो एकदम सॉफ्ट रूई की तरह। और ऐसी रोड है यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये हम ट्रैक करके एकदम नीचे से आए हैं ट्रैक करके, और ट्रैक करते करते हम रोड के पास आ गए हैं। बहुत यहाँ जो नीचे होम स्टे था, काफ़ी 1 किलोमीटर ट्रैक करके हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। देखो ये नज़ारा, ये वादियाँ सॉफ्ट कॉटन रूई वाली स्नो, मतलब रोड में ही आप देखो ऐसे स्नो जमी हुई है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हुआ। हाँ। ये देखो पीछे का नजारा, ऐसे लगता है अमूल आइसक्रीम है वेनिला वाली। हमने अपने आइसक्रीम जरूर खाई है लेकिन स्नो को आइसक्रीम की तरह कभी नहीं देखा होगा। दिस इज हेवन, ऐसा है पूरा बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, और ऐसी गाड़ी फंस जाती है ना तो इंसान क्यों नहीं फंसेगा सोचो। तो ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं जो बादलों से कवर हुए हुए हैं, तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं जीप से। तो धड़कनें धक धक कर रही है, बहुत डर भी लगता है, लेकिन डर किस बात का जब कौशल जी हमारे साथ में हैं। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड हिमाचल जहाँ पे आप कभी नहीं गए हैं। तो ये जो राइड होगी ये हमारी होगी दलांग से स्पीति से पिन वैली तक हम जाएंगे। एकदम पिन पॉइंट ऑफ द माउंटेन पे हम जाके करने वाले हैं ट्रैकिंग। फ़िलहाल यहाँ पर तो गाड़ी फंसी हुई है, बस उम्मीद और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम ना फंसे। और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड हिमाचल हम आपको दिखाएंगे जो आपने कभी नहीं देखा है, और मज़ा आने वाला है इस राइड पे। तो इस राइड को आप पूरी देखना, और ये राइड बहुत खूबसूरत बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको यहाँ पे इस व्यू और नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम पिन वैली पे जाने वाले हैं, एकदम पिन टॉप ऑफ द माउंटेन। उसके बाद जाके वहाँ पर और करेंगे ट्रैकिंग। तो दोस्तों आप ना जाएं, क्योंकि हाँ आप ना जाएं उधर, क्योंकि अभी जो तारीख है वो फेब का महीना है 25 फरवरी, और यहाँ पे अभी टूरिस्ट लोग को नहीं जाने देते। हम तो लोकल्स के साथ जा रहे हैं उनके साथ, क्योंकि अभी ये रास्ता डेंजर है, गाड़ी स्लिप होने के 100% चांसेस है। बट आप देख सकते हो रोड पर कोई भी नहीं है, हम फुल रिस्क लेके लोकल्स लोग के हेल्प की हेल्प लेके हम ये खूबसूरत दुनिया देखने का क्या कहते एक नशा सा है, तो बस इसी नशे को लेके हम निकल पड़े हैं। कुछ न्यू एडवेंचर, कुछ न्यू चीज़ आप लोगों को, दृश्य लोगों को हम आपको दिखाने के लिए ये नज़ारा ये दृश्य। सी द 360 राउंड कट्स ऑफ द दिस वैली। अब ये वैली इतना प्यारा है, तो जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे तो और ही नज़ारा और प्यारा हो जाएगा।
एंड आई एम सुपर मच एक्साइटेड टू रीच ऑन द टॉप ऑफ द हिमालय. वहाँ से हम हिमालय से निकलता हुआ ठंडा ठंडा कूल कूल पानी पियेंगे और सारी दुनिया को भूल जाएंगे. छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपको यहाँ पे घर वगैरह वैसे देखने को नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल भी, और बहुत अच्छा सा व्यू लग रहा है. मतलब इतना प्यारा लग रहा है यार, क्या बोलूँ. बस छोटी छोटी दुकानें हैं ठेके की, क्योंकि यहाँ पे ठेके की शराब की दुकान होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई अगर बंदा जम गया यहाँ ठंड पे तो उसको ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पे वाइन ड्रिंक्स की ज़रूरत होती है. तो साइड में ही प्यारा सा छोटा सा यहाँ पे लगा हुआ है टेंट सा. अभी तो फ़िलहाल टूरिस्ट लोग आया हुआ नहीं है, बट बता देते हैं इको टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी टूरिस्ट लोग रह सकते हैं इस नज़ारे के बीच में. फ़िलहाल अभी थोड़ा बहुत बन रहा है, तो ये नज़ारा हमें बहुत प्यारा लगा, तो सोचा यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी रोक के थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए. खूब सारी स्नो ले हाथ में मोटी, और सुन अब चलते हुए बनाना मेरा. चले तो चलेगी तब तो बनाऊंगी. ऐसे चल रही हूँ ठीक है. हाँ रेडी रेडी स्टडी गो. आराम से जा तू, फोन में ध्यान मत दे तू, वहाँ ध्यान दे. कुछ नहीं होगा यार, ऐसे चली जाऊँ. जा उधर नीचे की तरफ मत जा, ऊपर जा. मुझे मोहब्बत हो गई है इस स्नो से. ले ले ला, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा. मैं ना जिसमें खो गए दीवाने हम हो गए, नजारू है हर सू है मितवा. ओ, ओ ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे है काबू है मितवा. मैं ना जिसमें हो गए दीवाने हम हो गए, नजारू है हर सू है मितवा. ऊपर रुको पाओ यार, रुको पाओ, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा. ऊपर नहीं होगा, नहीं होगा. बर्फ गिरी, हाँ बर्फ गिरी है, अकेलाली करती हुई जलते हुए सुबह शाम खेती रही सोने दे हंसी तेरी. और गबरू शेर क्या कर रहे हो, क्या खाना है आपको है? नहीं ऐसे नहीं करते. तो दोस्तों दलान का ये खूबसूरत नज़ारा, अभी दोपहर की 3-4 बजी है और सन देखिए आप, प्यारा सा सूरज अभी खिला है. कल पूरी दिन स्नोफॉल हुई थी, पूरी रात स्नोफॉल हुई थी, और आज नज़ारा सूर्य की किरणें हमें देखने को मिली है. और ये देखिए आप खूबसूरत नज़ारा. यहाँ हम रुके हैं थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए, तो आप देख सकते हो हम ऐसी जगह में रुके हैं. तो यहाँ पे जिस एरिया में अभी हम आए हैं, जिस महीने में अभी फरवरी है, तो यहाँ पे वैसे तो अगर आप आना चाहते हो तो आप किसी लोकल के साथ ही आ सकते हो. मनाली तक आप आ जाइए बस से, फिर उसके बाद आप किसी लोकल बंदे के साथ लोकल जीप में आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते हो. देखो हम आए हैं इस रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए, तो यहाँ आने के लिए पहले ये बर्फ़ तोड़ के सारा रास्ता क्लीन कर रहे हैं. ये यहाँ शेर मेरे पीछे पीछे आ गया है, इस तरह से ये बर्फ़ तोड़ते हैं. तो दोस्तों बर्फीली जगह में जब सूर्य किरणें गिरती है तो आकाश बिल्कुल एकदम नीला नीला हो जाता है, और दृश्य आप देख सकते हो बहुत सुहाना होता है. और हिमाचल के कुछ ये प्यारे प्यारे डॉग्स भी फर वाले होते हैं, बड़े ऐसे पेट डॉग टाइप के लगते हैं, और बहुत ही नज़ारा एकदम पीसफुल एरिया यार, इट वाज जस्ट लाइक हेवन. और देखो रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए ऐसे ऐसे लोग बर्फ़ तोड़ते हैं, मतलब अंदर घुसने का भी हमारे पास
हमारा रास्ता क्लियर नहीं था, वो अंदर जाने के लिए भी बर्फ़ तोड़ तोड़ के हमको अंदर घुसा रहे थे। और क्या आपको पता है हमारे साथ कौन है? मेरे क्यूट क्यूट लड्डू गोपाल आए हैं यहाँ पे और कर रहे हैं स्नो में मस्ती। दिल खुश हो गया उनका यहाँ आके, उनका मन ही नहीं कर रहा था कि वापस मेरे साथ दिल्ली आ जाए, उनको इसी वादियों में रहने का उनका मन हो गया। सफाई उद्यान चल रही है इधर, देखिए हमारे लड्डू लाल कृष्णा जी प्यारे से स्नोफॉल में खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं नजारे में, इस खूबसूरत नजारे के अंदर। जरा इनकी मुस्कुराहट तो देखिए, हंस रहे हैं, हो जी मजे ले रहे हैं। तो अब मेरे क्यूट कान्हा जी को करना है वहाँ पे ट्रैकिंग उस एरिया में, तो चलो चलते हैं। तो हमारे कान्हा जी को मिल गया एक लंबा लंबा बड़ा बड़ा सा कील, तो उन्होंने स्नो के अंदर डाल के वहाँ पास में बैठ गए और ठंडे ठंडे बर्फ़ के साथ में टप टप उनके ऊपर पानी भी गिर रहा था। मतलब भाई पूछो मत, हमसे ज़्यादा मज़े ले रहे थे हमारे क्यूट कान्हा जी। देखो तो देखो, देखो तेरे नखरे। सकते हो इंग्लिश वाइन शॉप है यहाँ पे, दारू के बिना जिंदगी नहीं चलती। अगर आपको यहाँ आना है और जीना है तो दारू वाइन वोडका पीना ही पड़ेगा। और ये रही दुकान, अभी अभी हम इस दुकान से निकले हैं मजे से खा पी के। तो स्नोफॉल में थोड़ा बहुत मस्तियाँ और खेलना तो जमता है, हाय हाय। तो अब हम करने वाले हैं बर्फ़ में कुछ सितानियाँ, कुछ मस्तियाँ और स्नो मोशन में बनाने वाली है वीडियो। दोस्तों स्नोफॉल देखने आते हैं तो स्लो मोशन में वीडियो बनाना तो जमता है, क्योंकि उसका जो व्यू आता है वो बहुत ही अच्छा है आता है, एकदम धीरे धीरे से जो स्नो गिरता है ना भाई साहब, देखने लायक होता है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट कॉटन जैसी एकदम मस्त सी बर्फ़ को हम जब फेंके तो ऊपर से ऐसे इतना अच्छा सा नज़ारा आ रहा था कि पूछो मत। हाय मज़ा आ गया, स्नो में बहुत खेले, स्नो में बहुत मस्ती करी। मतलब ठंड लग नहीं रहा था हमको, ऐसे लगता है कि भाई साहब स्नो में पता नहीं कितना ठंड होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे बहुत ठंड लगती है, लेकिन मैं यहाँ पे स्नो में आई ना तो बिल्कुल, देख आप सकते हो कि मैंने ग्लोव्स भी नहीं पहने, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता है स्नोफॉल का, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। चलो चलते हैं। जिंदगी के मजे साथ भी हर दम। तो दोस्तों देखिए कहाँ जा रहे हैं हम, होम स्टे के अंदर जा रहे हैं, इन वादियों में कहाँ घूम रहे हैं। देखिए जन्नत, हाय हाय, बस इतना ही हो गया। तो दोस्तों आपको भी ये सब एडवेंचर करना है, ये सब मस्ती करनी है, तो आप सनराइज़ होम स्टे बुक करें जो कि है दलांग में, और हम आपको फ़ोन नंबर डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में जो ऑनर है सनराइज़ होम स्टे का। तो फ़िलहाल अभी जो मैं खड़ी हूँ वो हम होम स्टे में ही खड़े हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा था। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। एंड मीट यू सून इन माय नेक्स्ट ब्लॉग एंड ऑन अ बिग एंड प्यार इज इन स्वीट किसी टू यू ऑल माई क्यूट लिटिल माई लवली फ्रेंड्स माई फैमिली माई ट्रेवल विथ XYZ फैमिली। आई लव यू ऑल, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, ऑलवेज कीप डांसिंग विथ मी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप शेयरिंग माई चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल। एंड बस क्या ही बोलूँ, अब बाय, लव यू ऑल।